Assalamu alaikum and a very warm welcome. आप देख रहे हैं पहचान, a conversation with me, सिद्रा इकबाल, and this indeed is season number 2. आप मुलाकात करते हैं इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेट लीडर्स से, ऐसे लोगों से जिनकी आप सिर्फ डेजिग्नेशन से वाकिफ हैं. We try to take you a step further and understand the person behind the title. क्या चीज़ें हैं जो उनको इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में क्या रैशनल होता है. और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं हु इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स ऑफ पाकिस्तान. उनके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है. एक जमाना था पाकिस्तान सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहा था, बट इवन टू हैव दैट टू वे स्ट्रीम फोकस इज डेफिनेटली एन अकम्पलिशमेंट. लेकिन पिछले कुछ सालों में और आने वाले कई सालों में ये किस तरह शेप अप करेगा, पाकिस्तान की ट्रेड का फोकस क्या है, दैट इज़ व्हाट वी आर हेयर टू फाइंड आउट. हमारे साथ मौजूद हैं द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जनाब तारिक पुरी साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सच अ प्लेजर टू बी हेयर. आई हैव कम टू दिस ऑफिस वेरी ऑफ्टन, लेकिन आज हमारा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बड़ा मुख्तलिफ है, तो सबसे पहले सर, व्हेन यू वॉक्ड इन एंड यू टुक द रेंस ऑफ दिस ऑफिस इन योर हैंड, आपको क्या फ़र्क लगा और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी जानी पहचानी है. मैं वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, जो कि प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की. ये एक ऐसा अदारा है विच इज़ सो क्रिएटिव, इनोवेटिव, एंड देयर इज सो मच दैट यू कैन डू. और ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि दो एक ऐसी चैनल्स हैं जिससे कि आप इस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है बड़ी मकदार में कमा रहे हैं. एक है आपके फॉरेन कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं, उनकी जो रेमिटेंसेस आती हैं, एंड दैट गो अप टू 13 बिलियन US डॉलर्स. इसी तरह हमारी जो एक्सपोर्ट है, दिस इज़ अनदर वे ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग. तो इस अदारे का जो रोल है वो बहुत अहम है अगर आप एक मईशत की नुक्ते नज़र से देखें. और इस अदारे ने 60s से आज तक जो किरदार किया, जिस तरीके से काम किया, वो बहुत ही कारामद और बहुत ही फाल किस अंदाज में किया. और आज आप जिन लोगों को बहुत सक्सेसफुल देखते हैं पाकिस्तान में, बहुत बड़े बड़े टाइकून्स हैं, उनमें एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो या अब ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कुछ ना कुछ शेयर उनकी सक्सेस में है. Absolutely. तो मैं ये समझता हूँ कि इस अदारे का एक जो पिवटल रोल है वो है कि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, उसको जिस तरीके से हम सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से उनको हैंड होल्ड करते हैं, जिस तरीके से उनको प्रमोट करते हैं और जिस तरीके से उनको एक्सपोजर देते हैं, ये है एक मैजिक जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है और जो वो कर सकती है. लेकिन अब डिपेंड करता है उसकी लीडरशिप पे और गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ के ऊपर. तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा पहला टेन्योर था वो भी वो ज़माना था जब बेनज़ीर साहिबा वॉज़ द प्राइम मिनिस्टर और मैं वाइस चेयरमैन था. हमारे मिनिस्टर अहमद मुख्तार साहब थे कॉमर्स के. तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जबकि जो हमारा फोकस एक्सपोर्ट पे था और हमारी कोशिश ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर फोकस रखें. तारिक साहब, लेकिन जैसे आपने इशारा किया कि फॉरेक्स कमाने का एक फाल तरीका पाकिस्तान बल्कि किसी भी मुमलिकत के पास ये होता है कि अपनी एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया जाए. अभी क्योंकि हाल ही में बजट आया है, फेडरल बजट 2012 और 13 मुश्किल बजट था, कहा गया कि आवाम की रिलीफ की बात की जाएगी. आप क्या समझते हैं, कुछ जो अखबार में हम प्रपोजल्स या लोगों की प्रडिक्शंस थी, उसमें एक प्रडिक्शन मेरी नज़र से गुजरी थी, उन्होंने कहा जी 2013 तक पाकिस्तान के जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है, वो आधा हो जाएगा. तो उसमें फिर क्या किरदार है ट्रेड का और कितनी आप सच्चाई देखते हैं स्टेटमेंट में? देखें, अगर आप पिछले साल के फिगर्स देखें और उसको कंपेयर करें उससे पिछले साल 2009-10 का, तो एक क्वांटम जंप आया जी. फ्रॉम ऑलमोस्ट 20 बिलियन वी वेंट टू 25 बिलियन, जो कि एक लैंडमार्क था. जैसे कि 2003 में हमने 10 बिलियन को क्रॉस किया, तो ये एक थ्रेशहोल्ड था 25 बिलियन का, जो कि हमने क्रॉस किया पिछले साल.
अब ये जो 25 बिलियन को अचीव करना, मैं समझता हूँ कि एक लैंडमार्क है हमारी एक्सपोर्ट की और ट्रेड की हिस्ट्री में. And in spite of the devastating rainfalls, the earthquakes and the various problems we've had. वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव्स. आई एम जस्ट सेइंग कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सब क्रेडिट उनको जाता है कि इतने मुश्किल हालात में भी वो इस जो मुहिम है उनकी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की, उसमें वो कामयाब हुए. बिल्कुल. और उसमें कुछ हमें इंटरनेशनल मार्केट से ही मदद मिली, बिकॉज कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ गई थी और प्राइस लेवल्स वर हायर. लेकिन इसके साथ साथ हमारी क्वांटिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई. तो कहने का मकसद ये है कि ये एक एक जुनून है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं, दे आर मेड ऑफ स्टील. Absolutely. And they have this tenacity कि कितने भी बुरे हालात हों, वो अपने काम में लगे रहते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं. आपको नहीं लगता, सॉरी टू कट यू ओवर हियर, लेकिन आपने कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज, यानी जहाँ कोई चैलेंज आया, देयर रोज अप टू द चैलेंज देमसेल्व्स, लेकिन लोग फिर कहते हैं कि भाई द आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान इज सो डिफिकल्ट, यानी हर काम, चाहे बिजली हो, पानी हो, सिक्योरिटी हो, आपने खुद करना है. तो हैज़ दैट एवर डीमोटिवेटेड पीपल? आपका इनसे रेगुलरली कॉन्टैक्ट रहता है, आप इनको कैसे बूस्ट अप करते हैं? देखिए, एक तो ये फैसला हर पाकिस्तानी ने किया है कि वी, दिस इज़ आवर कंट्री, वी हैव टू लिव एंड डाई हियर, दैट इज़ अ टेकन और अ गिवन. ठीक है. अब सवाल ये है कि आप या तो बिल्कुल हथियार डाल दें, या आप खड़े हो जाएं और कहें कि वी हैव टू फाइट आउट ऑल एडवर्सरीज, ऑल एडवर्सिटी. ठीक है, एडवर्सरीज एंड एडवर्सिटी. तो उस सूरत में इफ़ यू हैव अ माइंड सेट लाइक दैट, आई एम श्योर दैट सक्सेस विल कम इन देयर वे, एंड दैट इज़ वॉट इज़ हैपन. अब ये जो मुश्किल हैं, ये अब इनकी जो पस मंज़र में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज वो लंबा है, वो एक हिस्ट्री है इसकी कि वेयर वी आर टूडे एंड हाउ वी हैव कम हेयर टूडे. तो उसको हम बाला ताक रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, वी हैव टू थिंक ऑफ टूडे एंड टमोरो. आपने कहा सारे पाकिस्तानियों ने कमर कस ली है, उन्होंने कहा है कि जी कम व्हाट मे विल डू इट. लेकिन एक बड़ी अभी मशहूर सियासी स्टेटमेंट आई, उसके बारे में कई लोगों ने कयास सराहियाँ भी की कि जी जो जाना चाहते हैं चले जाएं, रोका तो नहीं है उनको. आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो मेरा ख्याल है वो इट इज़ सेड इन अ वेरी इन अ लाइट वे, और मेरा ये ख्याल है कि वो कहने का मकसद ये कि अगर आप किसी पाकिस्तानी को कहें कि जाना भी चाहें तो चले जाएँ, तो वो जाएगा नहीं. बिकॉज मेरा ये ख्याल है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, क्योंकि जिन लोगों ने बाहर भी काम किया है, वो भी दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान. एब्सोल्युटली. दे वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान नो मैटर हाउ लॉन्ग दे हैव स्टेड अब्रॉड. अच्छा, आपकी भी अगर बात की जाए तो यस, यू वर द वाइस चेयरमैन ऑफ द देन EPB, और इससे पहले, अगर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले देखा जाए, तो यू वर पोस्टेड एज एन एम्बेसडर इन हांगकॉन्ग. फ़र्क आपको क्या लगता है, वहाँ पे जो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके वर्क एथिक्स में, उनके काम करने के अंदाज में आपको कोई फ़र्क लगता है? फ़र्क तो देखें ना, एनवायरनमेंट का होता है. अगर आप हांगकॉन्ग में काम कर रहे हैं या आप UAE में काम कर रहे हैं, यू आर टोटली अफेक्टेड बाई द एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट. देर आर बिजनेस एथिक्स, देर इज़ अ सर्टन वे ऑफ डूइंग बिजनेस, तो दे आर गवर्न बाय those ethics and those that environment. तो पाकिस्तानी का एक और भी बड़ा कमाल है कि मतलब बड़ी शानदार उसको adaptability. आप उसको यहाँ से जब आप बाहर जा रहे हों तो आप उसको कराची एयरपोर्ट पर देख लें कि किस तरह धक्कमशाही कर रहा होता है, और अगर आप उसी पाकिस्तानी को जब वो UAE में, दुबई में लैंड करता है, उसको देखें, ही इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन. वो लाइन में भी खड़ा होगा, डेढ़ घंटे में हम उसको सब सिखा देते हैं. बिल्कुल सही. तो क्या फर्क क्या हुआ, यहाँ से सवा घंटे के बाद एनवायरनमेंट चेंज होगी ना. बिल्कुल. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानीज नो मैटर, अब आप देख लें USA में, कनाडा में, EU में, जहाँ भी आप पाकिस्तानीज को देखते हैं, वो दे हैव एक्सेल्ड इन विच एवर फील्ड दे आर. उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोग वी हैव वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग, इंटेलेक्चुअली वेरी
वेरी शार्प, वेरी यू नो वेल प्लेस्ड. और फिर ये है कि हमारे में कंपैरेटिव स्पिरिट बहुत है. बिल्कुल. और ये कंपैरेटिव स्पिरिट की वजह है कि वी सस्टेन आवरसेल्व्स. अगर ये चीज़ ना हो तो फिर तो हम मायूस होकर बहुत अरसा पहले दुकान बंद कर गए होते. लेकिन आपने कहा कि कम्पेटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ लोग कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. अब वो हम इसको एक लविंग रिलेशनशिप बनाते हैं या एट वॉर चले जाते हैं, ये हमने जानना है. और साथ ही साथ जब हम पाकिस्तानी ट्रेड की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि जो तमाम जो मरात होती हैं, तमाम जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो पुश प्रोवाइड करती है, इवन गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रक्चर, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मखसूस इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी या तो आपका ताल्लुक एग्रीकल्चर से हो या आपका ताल्लुक टेक्सटाइल से हो. इसमें कितनी हकीकत है ये हम जानने की कोशिश करेंगे. बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस.